सो गाइज आज हम आए हैं याता थाना और आज के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे रंजीत जी। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मुझे उनका स्केच बनाने के लिए, तो मैंने उनका स्केच रेडी कर दिया। अब उनका गिफ्ट देते हैं, उनका रिएक्शन नोट करेंगे। तो तब तक आप उनका स्केच देखिए, तब तक मैं रंजीत जी को फ़ोन करके बाहर बोला लेता हूँ और पहले पता कर लेते कि परमिशन है कि नहीं अंदर वीडियो बनाने की। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं, तब तक आप उनकी स्केच की वीडियो देखिए और वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें परमिशन मिल चुकी है अंदर शूट करने की, रंजीत जी अंदर बैठे हुए हैं, तो अब आइए हम चलते हैं अंदर और उनका रिएक्शन नोट करेंगे। तो ये है हमारा याता विभाग का एक सर का छोटा सा ऑफिस है, सर यहीं से लाइव आते हैं और सर का आज ऑफ था, फिर भी सर हमारे से मिलने के लिए आज ड्यूटी ज्वाइन की सर ने। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यस सर, एंड मेरे को लगा कुछ सरप्राइज देने वाले हैं यहां पर मुझे। सर सरप्राइज ही है क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ करता नहीं है कोई, तो इंदौर से हमने स्टार्ट करा है और मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए इंदौर के वो सभी स्केच बनाते हैं, बट वो यूट्यूब पे उनकी स्केचिंग वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। और मैं स्केचिंग वीडियो अपलोड भी करता हूँ, प्लस उनको ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड करता हूँ कि हाँ कैसे बनाएं। और सर आपका स्केच हमने इसलिए बनाया है कि हमने इंस्टा पे वोटिंग सिस्टम कुछ करा था, तो सर सबसे ज़्यादा वोट्स आपको मिले हैं उन चार कैंडिडेट में, ऊपर आपका और हमारा कुछ टाइमिंग मिस हो रहा था, इस कारण हम वो उस टाइम आपको नहीं कर पाए, बट आज आपका ऑफ था फिर भी सर आपने दिया, थैंक यू सर। सर आप रेडी हैं? आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड, आई एम टू एक्साइटेड कि मैं अपना स्केच देखूं, क्योंकि मुझे एक तो फैन से मिलना अच्छा लगता है और फैन जब अपना प्यार शो करते हैं जी सर मुझे और अच्छा लगता है, तो आई एम रेडी फॉर दैट। और ये मेरा छोटा सा एक रूम है जहाँ मैं बहुत सारी बुक्स के बीच में बैठा रहता हूँ जी सर। तो गाइज आपकी तरफ से और ये स्पॉन्सरशिप डी इवेंट ने करी है, डी इवेंट की स्पॉन्सरशिप के बदौलत आज हम सर को ये गिफ्ट देंगे और सर का रिएक्शन नोट करेंगे, सर का रिएक्शन क्या आता है स्केच पर। Can I open? Yes, sir, please. Wow. Oh, great, yeah. Great work. बहुत ही अच्छा बनाया आपने, literally. अच्छा लगा देख कर, क्योंकि मुझे फोटो के साथ में अपना तिरंगा जोड़ा है। यस सर, सर मैं काम उसी के लिए करता हूँ। यस सर, तो ये एक जो कॉम्बिनेशन आपने बिठाया है ना, यस सर, इज रियली ऑसम। और आपका स्केच लग रहा है कि सच में आपने एक वर्क किया है। कुछ लोग फोटो देख के बना लेते हैं पर इसमें कुछ अलग दिख रहा है मुझे, तो आपकी मेहनत सच में गाइस ये सर सभी ने इसकी वीडियो देख ली है। okay. सर आप भी देखिएगा ये वीडियो, डेफिनेटली। हाँ, मैंने इसका टाइमलेस वीडियो अपलोड करा है इस पे। okay. हाँ, डेफिनेटली मैं देखूंगा। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्यार शो किया और मुझे हमेशा ऐसे फैंस पसंद आते हैं जो सिर्फ बोलते नहीं है, कुछ करके भी दिखाते हैं। सर आप कुछ पब्लिकली कुछ मैसेज आपकी तरफ से कुछ मेरी तरफ से एक ही मैसेज है यार कि
अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, देश का नाम कीजिएगा, और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपका नाम और समाज का नाम और देश का नाम नीचे गिरे। और हाँ, एक बात और, किसी दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। आपके लेक्चर में हमने बहुत सारी शायरी सुनी देश के लिए, तो सर एक शायरी, छोटी सी शायरी हो जाए। एक छोटी शायरी मैं सुना देता हूँ आपको, कि जिस धरती पर हम पैदा हुए अगर हम उसके भक्त नहीं, तो नहीं पिया है माँ का दूध तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं। तो कैमरामैन हमारे साथ हैं डी इवेंट्स के ओनर धर्मेंद्र बघेल, एंड सर आप स्केच के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मैंने कहा ना इस लवली, क्योंकि ये तो तिरंगा है, मैं इसी के लिए काम कर रहा होता हूँ। जी सर, आप तिरंगे के लिए काम कर रहे हैं। अगर साथ में ये मिल जाता है, देखिए रोड पर हम किसी का, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, रोड आप सब चल रहे होते हैं, तो मेरा वहाँ पर काम होता है सभी को एक नज़र देखना, और मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल दोस्ती नहीं होती। तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहली बात, ऐसी कोई गाड़ी मत चलाइए जिससे कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो अपना जीवन खो दे। तो प्लीज़ इस तरह गाड़ी मत चलाइएगा जिससे कि किसी और का नुकसान हो जाए आपके साथ साथ। तो फाइनली गाइस, हम इंदौर के रहवासी है, हम स्वच्छता में तो आगे आ चुके हैं, अब आ रही है हमारी बारी अब ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, तो हमें ट्रैफिक में भी संभालना है, अब हम इंदौर को फर्स्ट पर लाना है। तो सर आपका वर्क बहुत यूनिक है, थैंक यू सर। पब्लिक को जब भी कुछ लगा, जब भी आप लोग को आप वोटिंग में आपको लेवल रखा, लोग इतना प्यार करते हैं, इसीलिए शायद मैं अभी तक हूँ यहाँ पर। जी सर, जब तक सांस रहेगी तब तक काम करता रहूँगा। जी सर, मेरा एक ही मकसद है यहाँ से बोलने का, और हमेशा मैंने देखा भी है कि हम दूसरों पे आरोप लगा रहे होते हैं, दूसरों की कमियाँ निकाल रहे होते हैं। मेरा मानना ये है कि पहले अपनी कमियाँ साफ कर लो, देश अपने आप सुधर जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सर प्लीज़ एक बार आप बता दीजिए इनको क्या करना है। चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना हो तो भैया जो बताएंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर की इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है मेरे बायो में, और मेरी भी इंस्टा आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ सर को जाकर फॉलो करो। सर का यूनिक टैलेंट है, जो डांस को और ट्रैफिक रूल्स को सिखाने का नज़रिया रखता है इंसान, उसके साथ आज हम हैं, और हमारे साथ डी इवेंट्स के ओनर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।